टूट गया करोड़ों भारतीयों का दिल, हाथ लगी सिर्फ निराशा, कोई छुप कर रोया कोई खुलकर। फाइनल का दबाव या टीम इंडिया का खेल खराब, 12 साल बाद भी लौटे खाली हाथ। राहुल द्रविड़ ने बताई हार की बड़ी वजह, रोहित की कप्तानी को लेकर कही ये बात। फाइनल हारने के बाद कप्तान रोहित का बड़ा बयान, खुद भी बताई मैच गंवाने की वजह। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सभी को गलत साबित करते हुए मेजबान भारत के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में कंगारू टीम के गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों का भी दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं हमारे हाथ सिर्फ हार लगी। खिलाड़ियों का परिवार, बड़े खिलाड़ी, बड़े सितारे सभी मैदान में मौजूद रहे और रोते नजर आए। खिलाड़ी खुद भी भावुक हुए और रोते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल, जो खिलाड़ी अभी तक फिट थे, बेहतरीन थे, आखिर अचानक हुआ क्या? शुरुआत से करते हैं स्टार्ट। खिताबी मैच में कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय पारी को 240 रनों पर समेट दिया। टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में 3 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन ट्रेविस हेड की सूझबूझ भरी शतकीय पारी ने टीम को एक लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम की इस हार पर जहां सभी खिलाड़ी बेहद निराश नजर आए, तो वहीं कोच राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बात करते हुए हार की बड़ी वजह बताई। भारतीय टीम ने इस मैच में शुरुआत काफी अच्छी की, लेकिन 10 ओवर ही स्कोर 80 रन तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने रनों की गति पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने का काम किया। इसका दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से देखने को मिला। टीम इंडिया मैच में 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक सिर्फ 2 चौके लगाने में कामयाब रही। वहीं कोच राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद हार को लेकर कहा कि पिच शुरू में काफी धीमी थी, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी काफी बेहतर खेली। इस पिच पर 280 रन 290 रन का स्कोर काफी बेहतर होता, यहां 240 रन सेफ नहीं थे। यदि हम 30 से 40 रन और बना लेते तो इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम पर ज्यादा दबाव डालने में कामयाब होते। दूसरी पारी में बल्ले पर गेंद काफी बेहतर भी आ रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये पिच काफी बेहतर थी। राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक शानदार लीडर है। उन्होंने इस टीम को बनाने के लिए अपना समय और ऊर्जा दोनों दी और किसी भी तरह की चर्चा के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहे। उन्होंने हर मैच में हमें एक लय दी और सकारात्मक क्रिकेट खेला। उन्होंने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की। मैं एक इंसान और लीडर के रूप में उनकी तारीफ करता हूँ। रोहित ने शानदार तरीके से टीम का नेतृत्व किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल में बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, जिसे नतीजा पक्ष में नहीं गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से टीम पर गर्व है। रोहित ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो अगर स्कोर में 20-30 रन जुड़ते तो अच्छा होता। जब केएल राहुल और विराट बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय लग रहा था कि 270 से 280 रन के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने लगातार विकेट गंवा दिए। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के छठी बार चैंपियन बनने पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाने के बाद बड़ी साझेदारी की थी। 240 रन बनाने के बाद हम चाहते थे कि शुरुआती विकेट मिले, लेकिन इसका श्रेय ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन को जाता है, जिन्होंने हमें खेल में पूरी तरह से बाहर कर दिया। मुझे लगा था कि रोशनी में बल्लेबाजी करने के लिए विकेट बेहतर है। हम जानते थे कि रोशनी में ये बेहतर होगा, लेकिन हम इसे बहाना नहीं बनाना चाहते। हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन बड़ी साझेदारी करने के लिए उनके दो खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, #भारत।